हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बोन क्या है। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बना हुआ होता है बोन एंड कार्टिलेज से मिलकर। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बोन क्या होती है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो बोन्स है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी तरह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कार्टिलेज, उसके डिफरेंसेस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बोन, तो हमारी बॉडी के अंदर बोन एक काम क्या होती है, किस्म का क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी पूरी बॉडी में जो सेल हैं वो सेल मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक किस्म के टिश्यू बनाते हैं। तो ये एक किस्म के सेल है बोन। हमारे पास ये जो सेल बन जाएंगे, अब ये सेल का क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। जब ये सेल का ग्रुप बन जाएगा, अब इस ग्रुप को हम नाम क्या देंगे, टिश्यू का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखें बोन को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बोन के अंदर ये जो सेल मौजूद होते हैं, इन सेल के दरमियान में एक किस्म के धागे मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये एक किस्म के धागे हैं जिनको हम नाम क्या देंगे, फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये जब सेल और प्लस इसके अंदर क्या मौजूद हैं, फाइबर्स, तो सेल और फाइबर्स जब मिल जाते हैं इनको, इसी वजह से इनको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास किसके बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये प्रोटीन से मिलकर इसको कहते हैं फाइबर्स, और ये फाइबर्स और सेल आपस में मिल जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, बोन क्या, एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह कार्टिलेज भी हमारे पास मौजूद होती है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर, तो कार्टिलेज के अंदर भी ये फाइबर्स और ये सेल प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से कार्टिलेज को भी हम क्या कहेंगे कि वो भी एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। देन उसके बाद हम बोन की और कार्टिलेज की जो स्टडी करते हैं इसको हम नाम क्या देते हैं, ओस्टियोलॉजी का नाम देते हैं। ओस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, जिसको हम नाम क्या देंगे, ओस्टियोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बोन के स्ट्रक्चर की तरफ। पहले हम समझते हैं बोन जो है हमारे पास इसका आउटर स्ट्रक्चर किस तरह का है। अगर बोन की अंदर एनाटॉमी देखें तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर टोटल कितनी बोन्स मौजूद होती हैं, 206, और इसमें कुछ ऐसी बोन होती हैं जो शॉर्ट बोन्स होती हैं, कुछ लॉन्ग बोन्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये एक बोन है जिसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितनी भी बोन है हड्डी हमारी बोन में, बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियाँ हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन साइज के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होगा, कोई लॉन्ग बोन्स होंगी कोई शॉर्ट बोन्स होंगी। तो यहाँ पर एक बोन मौजूद है, डायग्राम के अंदर इसको समझते हैं कि बोन किस तरह का इसका डेवलपमेंट है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले अगर हम बाहर की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको आउटर लेयर नज़र आ रही है, जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है पूरी, ये आपको जो ब्लैक सबसे बाहर आउटर लेयर नज़र आ रही है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इस आउटर लेयर को कहते हैं पेरीओस्टियम का नाम देते हैं। इसको हम नाम क्या देते हैं, पेरीओस्टियम। पेरी वर्ड का मतलब होता है, देखिए पेरी का मतलब है किसी की चीज़ के ऊपर, और ओस्टियम वर्ड यूज़ किसके लिए करते हैं हम, बोन के लिए। जहाँ वर्ड ओस्टियो आ जाए, जहाँ वर्ड ओस्टियो यूज़ हो जाए, इट मीन्स ये किसकी बात हो रही है, बोन की बात हो रही है। तो पेरीओस्टियम का मतलब है कि बोन की सबसे आउटर लेयर जो उसके ऊपर मौजूद होती है उसको हम नाम क्या देंगे, पेरीओस्टियम। तो पेरीओस्टियम बोन का क्या है, आउटर पार्ट है या आउटर लेयर कह सकते हैं। फिर जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो पेरीओस्टियम के बाद दूसरा हमारे पास होता है बोन का जो पार्ट होगा उसको नाम क्या देंगे, एंडोओस्टियम का नाम देते हैं। फिर एंडोस्टियम का मतलब है कि बोन के अंदर वाली एरिया, उसके अंदर क्या चीज़ें, तो अंदर वाले आते ही पेरीओस्टियम के बाद जो आपको ये ब्लू कलर की जो लेयर नज़र आ रही है, ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है जो ब्लू कलर की लेयर्स हैं, ठीक है, ये मैं मार्कर से जो कलर यूज़ किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये थोड़ी कम्पैक्ट होती है। इसके दरमियान में जो सेल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम नाम क्या देंगे, ये हमारे पास क्या कहेंगे, इसको कॉम्पैक्ट बोन का नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, कॉम्पैक्ट बोन का, जो क्लोजली पैक्ड सेल होंगे, ये एंडोस्टियम आ जाएगा। फिर जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रीन कलर की जो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, इनके अंदर जो सेल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, ये थोड़े इनके अंदर सेल जो होते हैं इनके दरमियान में स्पेसिस होती हैं, जिनकी वजह से अब इनको हम नाम क्या देंगे, अब ये वाली जो बोन ओस्टियम का जो पार्ट होगा इसको हम नाम क्या देंगे, स्पॉन्जी बोन का नाम देते हैं। तो एंडोस्टियम के अंदर दो किस्म के सेल थे, एक कॉम्पैक्ट होते हैं कॉम्पैक्ट बोन जिसको कहेंगे, जिसमें सेल क्लोजली पैक्ड होंगे, दूसरा सेल के दरमियान में स्पेसिस होंगी जिसको हम नाम क्या देंगे,
स्पॉन्जी बोन। तो ये पेरिओस्टियम आउटर पार्ट और एंडोस्टियम बोन का अंदर वाला पार्ट। फिर जब हम देखते हैं इसी आउटर वाले पार्ट के अंदर आपको बोन के रीजन मिलेंगे। तो बोन का ये वाला जो रीजन होता है, यहां से लेकर ये वाला जो रीजन होता है, इसको हम नाम क्या देंगे, एपिफाइसिस का नाम देते हैं। ये जो टर्मिनल पार्ट है, इसी तरह यहां पर भी ये मौजूद है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला टर्मिनल जो पार्ट होंगे, इसको नाम क्या देंगे, एपिफाइसिस का नाम देते हैं। तो एपिफाइसिस बोन का कौन सा हिस्सा होता है, टर्मिनल पार्ट जो होता है बोन का, एंड वाला, ये वाला और ये वाला, इसको हम नाम क्या देंगे, एपिफाइसिस। इसी तरह बोन के ये बीच वाला जो बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, इस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं, इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं क्या, इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं शेफ्ट का नाम देते हैं, ठीक है, या इसको हम कहते हैं डायफाइसिस। शेफ्ट इस सेंट्रल रीजन को कह रहे हैं बोन के, ये वाला जो सेंट्रल रीजन, ये जो आपको नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं, शेफ्ट, या इसको हम नाम क्या देते हैं, डायफाइसिस का नाम देते हैं। डायफाइसिस का मतलब क्या होता है, किसके अंदर देखें, दो एपिफाइसिस एंड पर आ रही है, एक ये टर्मिनल वाली, दूसरी ये, तो ये हम यूज किया जाएगा इसके लिए, डायफाइसिस। अब अंदर की तरफ और ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो हमारे पास एंडोस्टियम में कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के बाद जब अंदर जाते हैं तो कॉम्पैक्ट बोन थोड़ी ज्यादा हार्ड होती है क्योंकि सेल इसके क्लोजली पैक्ड है, और स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या होती है, स्पेसिस होती है। किस तरह अगर इसको यहाँ बाहर निकाल के देखेंगे तो ये किस्म का स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर इससे सेल जो होंगे वो इस तरह से लूजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। तो इस बोन को हम नाम क्या देते हैं, इस बोन को कहते हैं, ये क्या है, स्पॉन्जी बोन है, ठीक है। फिर इसी स्पॉन्जी बोन के अंदर दो तरह के हमारे पास बॉन्स के अंदर दो तरह के बोन मेरो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो बॉन्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बोन मेरो। एक बोन मेरो जो होता है उसको हम नाम क्या देते हैं, एक बोन मेरो होता है उसको हम कहते हैं येलो बोन मेरो, और दूसरा हमारे पास जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेड बोन मेरो का नाम देते हैं। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये एंडोस्टियम मतलब इनर पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, और जिसमें स्पॉन्जी बोन है, इस स्पॉन्जी बोन के अंदर आपको जो बोन मेरो मिलेगा वो कौन सा होगा, वो रेड बोन मेरो। इसके अंदर जो खाली स्पेसिस होंगी ना, इस खाली स्पेसिस के अंदर आपको क्या मिलेगा, रेड बोन मेरो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी बोन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखें ये स्पॉन्जी बोन है और स्पॉन्जी बोन के दरमियान में ये रेड कलर जो नजर आ रहा है ये क्या है, रेड बोन मेरोस है। ये रेड बोन मेरो काम क्या करता है, ये हमारे ब्लड के जो सेल होते हैं उनको डेवलप करता है। क्या डेवलप, किस में काम करता है, ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं उनको ये बनाने का काम करता है। कौन कौन से सेल हैं हमारे ब्लड के अंदर, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गए, ठीक है, इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कौन से होते हैं, प्लेटीलेट्स, ये हमारे पास सेल के कुछ पीसीज होते हैं जिनको कैरी होते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटीलेट्स, ये हमारे बोन, ये हमारे ब्लड के अंदर सेल होते हैं जो कौन बनाता है, रेड बोन मेरो। तो ये स्पॉन्जी बोन के बीच में मौजूद है। दूसरा बोन मेरो जो होता है उसको हम कहते हैं येलो बोन मेरो, ये हमारे सिर्फ सेंट्रल रीजन के अंदर मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा, ये हमारे पास जो शेफ्ट रीजन या डायफाइसिस के अंदर मिलेगा। ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट हमारे पास कौन सा होगा, इस पूरे, ये हमारे जो नजर आ रहा है ये हमारे पास, इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास कहलाता है येलो बोन मेरो का नाम देंगे। अब ये जो येलो बोन मेरो है इसका हमारे पास काम क्या होता है, ये फैट वगैरह जो होती है उसको डिपोजिशन, देन उसके अलावा ये बोन के सेल वगैरह बनाने में हेल्प करता है। बोन के सेल हो गए या कार्टिलेज वगैरह जो हो जाती हैं उनको डेवलप करने के अंदर इसका काम होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये कौन सा था, ये बोन के अंदर का स्ट्रक्चर और बाहर का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर समझा। फिर जब अगर हम इसको बोन को क्रॉस सेक्शन करते हैं, इसको कट करते हैं, जैसे कि ये बोन है, इस बोन को इस तरह से कट करते हैं तो इसका ये वाला रीजन जो होगा इस तरह से नजर आएगा। फिर जब ये रीजन को हम अगर यहाँ पर आकर देखते हैं तो इसको यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है आपको, ये बोन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये साइड को हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जो यहाँ पर हमने समझा है। फिर यहाँ पर ये जो सेंट्रल रीजन होता है बोन का, इनके अंदर चार तरह की हमारे पास काम की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक इसके अंदर मौजूद होगी आपको जो रेड कलर की नज़र आ रही है ये वाली, ये हमारे पास क्या कहलाती है, इसको हम नाम क्या देते हैं, आर्टरी का नाम देते हैं। क्योंकि बोन हमारे पास एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग है, बोन के अंदर ग्रोथ भी होती है, बोन फ्रैक्चर हो जाए तो वापस इसके अंदर रीफॉर्मेशन का भी प्रोसेस होता है। तो इस वजह से ये आर्टरीज क्या काम करती हैं, ये बोन को ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आपको ब्लू कलर का, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास
डीऑक्सीजनेटेड मींस कार्बन और डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होगा वो वापस ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ लेके जाती है। उसके अलावा ये आर्टरी और वेन, ये तो दो ब्लड वेसल्स होती हैं। इसी तरह सेंसरी इंफॉर्मेशन, कभी कभी हड्डियों के अंदर जो पेन होता है या किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर क्या मौजूद होती हैं, एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम क्या देते हैं, इनके अंदर नर्व्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, ये आपने सुना होगा। देन उसके अलावा इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम क्या है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स, आर्टरी, वेंस, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो इनको फ्लूड वगैरह ट्रांसपोर्ट करने में काम कर रहा होता है, न्यूट्रिशन के अंदर हेल्प करता है। फिर इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं बोन के अंदर से, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, ओस्टियोन का नाम देते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ओस्टियोन। फिर जब एक ओस्टियोन को हम यहाँ बाहर निकाल के देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो एक हड्डी के अंदर या एक बोन के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत होंगे, इस तरह के बहुत सारे ओस्टियोन मौजूद होते हैं। अब इस ओस्टियोन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम जाएँ तो ये आपको एक किस्म के ब्लू कलर के आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इस तरह से ये आले, तो यहाँ पर इनका क्या काम है ये हम समझेंगे। फिर इनको एक लाइन, ये जो ब्लू कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, लैक्यूना का नाम देते हैं। इनको हम कहते हैं क्या, लैक्यूना का इसको नाम देते हैं। देन उसके बाद इस लैक्यूना के अंदर एक किस्म के सेल मौजूद होते हैं, ये जो आपको इसके अंदर एक किस्म के सेल मिलेंगे, इन सेल को क्या कहा जाता है, ओस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। इसका आगे पढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या है। तो एक सेल होंगे, इसको क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास इस एक लैक्यूना को दूसरे लैक्यूना के साथ कनेक्ट करने के लिए एक किस्म के हमारे पास टिश्यू होते हैं। यहाँ पर ये जो कनेक्ट हो रहा है एक लैक्यूना, फिर ये दूसरे लैक्यूना के साथ क्या हो रहा है, देखें कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह इस लैक्यूना का इसके साथ भी कनेक्शन होगा, इस लैक्यूना का इसके साथ भी कनेक्शन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इस लैक्यूना का इसके साथ कनेक्शन है। अब ये जो लैक्यूना जो ज्वाइन हो रहे हैं एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना के साथ, ये किस्म की टिश्यू होते हैं जिनको हम जिनको ये जो कनेक्शन होता है इसको हम नाम क्या देते हैं, कैनाक्यूलस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैनाक्यूलस या कैन्यूक्लाई का नाम दे रहे होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बांध कर बात करें, इसके अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, फिर इसके अंदर आपको ये जो कैन्यूकुला है, ये जो मेम्ब्रेन, इनके दरमियान में आपको ये खाली जगह नजर आ रही है, ये स्पेसिस नज़र आ रही है। इसको हम नाम क्या देते हैं, लैमिला का नाम देते हैं। और इस लैमिला के अंदर क्या मौजूद होता है, फ्लूड होता है, जिस फ्लूड के अंदर आपको एक किस्म के कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे। ये फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स किसके बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं जो बोन के स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो ये फ्लूड के अंदर एक किस्म के कोलेजन फाइबर्स हैं, फ्लूड भी प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर्स है। देन उसके बाद इसके अंदर एक और एक किस्म के मिनरल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसका हम नाम क्या देते हैं, कैल्शियम फास्फेट। ये कैल्शियम फास्फेट बोन को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। तो ये एक किस्म को जो आपने सुना होगा कि कैल्शियम या हड्डियों को मजबूत करता है, वो कैल्शियम फास्फेट हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, वो ब्लड के साथ डिपॉजिट सर्कुलेशन करता हुआ यहाँ पर हड्डियों के अंदर आकर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो ये कैल्शियम की जो डिपोजिशन होती है इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, कैल्सीफिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, या इसको हम कहते हैं ओसीफिकेशन का भी नाम देते हैं। इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इनसाइड द बोन, कि जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसका मूव करके बोन्स के अंदर डिपॉजिट होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कैल्सीफिकेशन या ओसीफिकेशन का नाम देंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं अंदर की तरफ। लैमिला के बाद जब हम अंदर आते हैं तो हमने कहा इसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं, लैक्यूना। इन लैक्यूना के अंदर किस्म के सेल जो बताए थे क्या थे, ओस्टियोसाइट्स। इसी तरह इसी ओस्टियोन के आउटर साइड पर यहाँ पर एक किस्म के और सेल आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये किस्म के एक और सेल हैं, इनको हम नाम क्या देते हैं, ये सेल जो होंगे इनको हम नाम क्या देते हैं, ये वाले जो हैं इनको हम नाम क्या देते हैं, ओस्टियोब्लास्ट का नाम देते हैं। इट मीन्स एक आपको ये सेल मिलेंगे ओस्टियोसाइट्स, दूसरे आपको ये जो आउटर नज़र आ रहे हैं ओस्टियोब्लास्ट। इसके अलावा तीसरे टाइप के जो सेल नज़र आ रहे हैं जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर दो ही बनाए सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, ओस्टियोक्लास्ट का नाम देंगे। अब देखिए कितने किस्म के सेल मिल रहे हैं हमें हड्डी के अंदर, एक हमें ओस्टियोब्लास्ट मिल रहा है, दूसरा हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट हैं, और तीसरे हमारे पास कौन से होते हैं, ओस्टियोसाइट। तो याद रखिएगा कि बोन के डेवलपमेंट के अंदर तीन
टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। नंबर वन ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट हमारे पास वो सेल होते हैं जो काम क्या करते हैं, बोन को बनाने के अंदर काम करते हैं। इसी तरह इसको कह सकते हैं ये क्या होते हैं, बोन फार्मिंग सेल होते हैं या बोन डेवलपमेंटल सेल होते हैं। ये बोन को जो बनाते हैं उनको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। दूसरा हमारे पास जो सेल होते हैं उसको कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ये वाले ओस्टियोसाइट्स क्या काम करते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये मैच्योर बोन सेल होते हैं। क्या होते हैं, मैच्योर बोन सेल। मतलब कि ओस्टियोब्लास्ट जो सेल बनाएगा उसके बाद उनके अंदर कैल्शियम, उनके अंदर मिनरल्स की डिपोजिशन करके ये ओस्टियोसाइट डेवलप हो जाएगा। ये मैच्योर बोन है जो क्या बनाएगी, हड्डी बनाने में काम करेंगे, जो बोन के अंदर बनाने में काम करेंगे और ये बोन के सेल बनाने में काम करेंगे। फिर हमारे पास तीसरे जो टाइप के सेल होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ओस्टियोक्लेस्ट का नाम देते हैं। ये ओस्टियोक्लेस्ट सेल वो सेल होते हैं जो ड्यूरिंग फ्रैक्चर या कोई इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर के दौरान हड्डी अगर टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, बोन टूट जाती है, उसके बाद बोन की हड्डियों के जो पीसीज होते हैं, टुकड़े हड्डियों के जो टुकड़े होंगे या उनके जो सेल होते हैं या उनके टिश्यू होंगे, उनको ख़त्म करना है, उनको डिजोल्व करना है, उनको रीअब्जॉर्व करना है, वो काम कौन करेगा, ओस्टियोक्लेस्ट। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, आप इनको नाम दे सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बोन डिजोल्विंग सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, बोन डिजोल्विंग सेल्स। अब ये वो सेल हैं जो दो हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होगा, उसके अंदर जो मिनरल्स होंगे, उनको निकाल कर कहाँ, ब्लड के अंदर वापस दे देते हैं। तो वापस ये बोन को रिपेयर के अंदर उनकी ग्रोथ में वापस कौन काम करता है, ओस्टियोक्लेस्ट। तो ये पूरा हमारा आज का जो लेक्चर था इसके अंदर हमने समझा है कि बोन क्या है, बोन के स्ट्रक्चर पूरा हमने डिटेल में समझा है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कार्टिलेज क्या है, फिर उसके बाद हम उसी लेक्चर के साथ आपको बोन और कार्टिलेज के डिफरेंसेस भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।